दोस्तों, बस ट्रेन वगैरह की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो आपको सर्च करना है रेड बस। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट मान्य ये एप्लीकेशन है रेड बस, जिसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है। देखो इसकी रेटिंग दिख रही है आपको, 4.5 इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन का रिव्यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, 32 MB की एप्लीकेशन है, काफ़ी छोटी है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ये डाउनलोड हो रहा है तब तक आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डाउनलोड होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल होते ही इसको आपको सिंपली ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो फ्रेंड्स, ओपन कर रहा हूँ मैं ना, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ना। आपको इंडिया है, इंग्लिश लैंग्वेज रहना, आपको समझ नहीं आता तो हिंदी कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है ना, आपको फ्रेंड्स ज्वाइन पे क्लिक करना है, लॉगिन नहीं करना है किसी को, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हो तो ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका मोबाइल नंबर डालना है, अगर ये दिखा रहा है तो ये, नहीं तो नॉन ऑफ दिस पे क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ना जनरेट OTP क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपका OTP कैचअप कर लेगा और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना इधर आपको स्किप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लिखा है एंटर सोर्स। यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे हूँ अहमदाबाद में, तो वहाँ का मैं लिख रहा हूँ अहमदाबाद। उसके बाद फ्रेंड्स एंटर डेस्टिनेशन है, तो मुझे उदयपुर जाना है, तो मैं उदयपुर डालूंगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे कब जाना है उदयपुर, तो जैसे मुझे जाना है नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को जाना है, तो मैं जून की 3 तारीख सेलेक्ट करूँगा। ना फ्रेंड्स, ये मुझे बस ये दिखाना स्टार्ट कर दिया है। टोटल फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो आप, 196 बसें मुझे दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे आप देख सकते हो AC पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे 76 AC वाली बसें दिखाए, और फ्रेंड्स नॉन AC में 120 बस आपको नॉन AC है, और उसके बाजू में सीटिंग का है, तो सीटिंग में आप देख सकते हो 96 बसें है जो सीटिंग है। फ्रेंड्स, आप तीनों को कॉम्बो करके भी देख सकते हो, जैसे सीटर पे क्लिक करके, नॉन AC पे क्लिक करके और इसी पे क्लिक करके, तीनों रेड हो गए, मतलब तीनों मिक्स वाली बस आएगी, जिसमें आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर कि कौन सा सही है। देख, जैसे ये बस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको नीचे की साइड, जैसे मैं 2 ग्रीन सिलेक्ट करूँगा तो नीचे प्राइस दिखा देगा, 1400 रुपी S17 और S18। नाउ फ्रेंड्स, बोर्डिंग अपने को मतलब बैठना कहाँ से है, तो जैसे मैं नोएडा सिलेक्ट किया और उतरना कहाँ पे है, तो ये ओंडिया बोल दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करना है आपको। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आप कितने जन जाने वाले हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, तो जैसे इसके अंदर नाम मांगा है, जेंडर और एज मांगी है, 3 चीज़ मांगी है फ्रेंड, तो कोई नहीं है, सिंपली आप इतना तो डाल सकते हो, आपका नाम, एज और जेंडर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद 32 रुपीज़ का आपका इंश्योरेंस करने को बोल रहा है। जैसे फ्रेंड, आपका इंश्योरेंस अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए बस का, तो आपको मेडिकली 75,000 रुपीज़ का ही आपको मेडिकली इंश्योरेंस देंगे, और फ्रेंड अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस है, तो आप करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते। जैसे मैंने 9 पे क्लिक किया तो नहीं भी करा सकते। नाउ मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, तो लेकिन नाम डालना जरूरी है, इसलिए मैं कुछ भी नाम डालो, आप अपना सही से डाल देना, GST नंबर हो तो ही डालना, नहीं तो चलता है, ऑप्शनल है, एज डाल देना है। और फ्रेंड्स फिर भी अच्छा, फ्रेंड्स समझ गया, मैंने ईमेल आईडी नहीं डाली, आपको आपकी ईमेल आईडी कोई भी डाल दोगे चलेगा, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सही ईमेल डालनी, आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे जाके प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी पेटीएम है, तो मैं एक बार पेटीएम पे क्लिक करके देख लेता हूँ, कि इसके अंदर कैसे होगा। पेटीएम नहीं है मेरे पास, तो मैं फ़ोन पे से ट्राई करके देखता हूँ। फ़ोन पे क्लिक किया, प्रोसीड किया। हाँ फ्रेंड्स, ये लोड हो रहा है पेटीएम ओपन होने के लिए, कोई बात नहीं, ये प्रोसेसिंग में चला गया फ्रेंड्स। अब मुझे अपना फ़ोन पे ओपन करना है। हाँ फ्रेंड्स, इधर मुझे है ना नोटिफिकेशन आएगी, अभी मैंने जो क्लिक किया है उसकी नोटिफिकेशन आएगी। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर 2 नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, उस पर आपको चेक कर लेना है एक बार कि आपको नोटिफिकेशन आई है, तो थोड़ा वेट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आ चुका है मेरे अंदर पे करने के लिए, तो आप पे पे क्लिक करके आपका UPI पिन डाल के सीधा सिलेक्ट करोगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं बैक कर लेता हूँ, एकदम इधर बैक कर लेता हूँ, एप्लीकेशन है, मुझे बुक करने की जरूरत नहीं है, आप बुक कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, माई बुकिंग्स पे जाओगे आप तो आपकी यहाँ पे बुकिंग दिखाएगा, अगर आप कैंसिल भी करोगे तो यहाँ पे कैंसिल शो कर देगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर ट्रेन है, ट्रेन का भी आप देख सकते हो सेम सिंपल वैसे ही, अपकमिंग, कंप्लीट और कैंसिल, तीनों ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। नीचे फ्रेंड्स हेल्प लिखा है, इस पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके चेक कर सकते हो, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में लिखा है माई अकाउंट, तो माई अकाउंट में आपका वही वॉलेट वगैरह में, माई बुकिंग्स वगैरह में, इसमें आप जितनी बुकिंग करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।